ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये हमारा आइडिया ना हमारे ससुर जी ने दिया कि तुम भी हमारे जैसे इडली दुकान खोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह नेटवर्क ऑफ इंडिया से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, जैसा कि आप देखते हैं मेरे वीडियोस में, मैं डेली आपके लिए कोई ना कोई बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। आई होप आप लोग डेली देखते होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे साथ है मिस्टर प्रकाश, एक इडली का ठेला लगाते हैं रोड साइड। तो आइए उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं कि वो कैसे करते हैं, कितना पूंजी लगाएं, कितना कमा लेते हैं, ये सारी बातें जानकारी लेंगे। प्रकाश जी, ये कब से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये हमको 1.5 महीना हो गया सर जी। अच्छा, 1.5 महीने से आप कर रहे हैं। ये आपको आइडिया कहाँ से आया? ये हमारा आइडिया ना हमारे ससुर जी ने दिया कि तुम भी हमारे जैसे इडली दुकान खोलो, फिर आगे बढ़ोगे ऐसे करके। अच्छा, तो आपके ससुर क्या इडली दुकान इडली का करते थे? हाँ, पहले वो 7 साल पुराना पहले करते थे वो लोग। अच्छा अच्छा। हाँ, 7 साल पहले से कर रहे हैं। ओके ओके। 1.5 महीने पहले आप क्या करते थे? 1.5 महीना पहले मैं मजदूरी करता था कहीं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि तुम भी इडली दुकान खोलो, थोड़ा बहुत लागत लगा के हम भी थोड़ा मदद कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ना ऐसे करके बोला। तो पहले क्यों नहीं ट्राई किए, मतलब पहले उन्होंने कोई एडवाइस नहीं दिया ऐसा? नहीं, हम लोग बेंगलोर में थे पहले काम करने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ आए ना, तब ये आइडिया दिया वो। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप ये शुरू किए तो कितना पैसा आपने लगाया इस पे? इसमें कन हम लगाए हैं वो 8-10 हज़ार रुपये लगाए हैं। तो इसमें ठेला के साथ आप 8-10? नहीं, सिर्फ इसको सामान के लिए 8-10 हज़ार रुपये लगा। अच्छा, और ठेला बनवाए कि पहले से था? ये हमारा किराए का ठेला है। ये किराए का ठेला है जी। ओके ओके, तो कितना रुपए किराया देते हो? इसको डेली का 40 रुपए देता हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, किराए का ठेला भी मिल जाता है? हाँ, मिल जाता। और अगर हम ठेला बनवाने जाए तो कितना लगेगा? अगर बनवाओगे खरीदोगे तो कम से कम 15,000 से 20,000 रुपए लगेगा। अच्छा, तो आपने ये दिमाग लगाया कि भाई सामान के लिए 8-10 हज़ार रुपए लगा ले और फिर काम करके फिर कमाई होगा, उसके बाद फिर ठेला खरीदेंगे। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। सो दोस्तों, देख सकते हैं कि प्रकाश जी के ससुर जी ने आइडिया दिया और 8-10 हज़ार रुपये से इन्होंने काम अपना चालू कर दिया। ठीक है, ठेला रेंट में लेते हैं। अगर आपको भी पता नहीं होगा, ये बात मुझे भी आज पता चला है कि ऐसा रेंट में भी ठेला मिल जाता है और वहाँ से आप ले सकते हैं डेली का 40 रुपये पे करके, है ना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ठेला रेंट में देते हैं। हाँ, है ना सर जी। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए कि डेली का कितना आप सामान बेच लेते हैं? डेली का अभी आ रहा है वही 1500-1600 रुपये भी गल्ला आ रहा है। अच्छा, उसमें से प्रॉफिट कितना हो जाता है आपका? 500-600। आपके साथ पूरी फैमिली आपके काम करती है? हाँ, मेरे साथ मेरा मिसेज रहती है, मेरी लड़की रहती है, वो भी हाथ बताने लगता है। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी सर। तो एक बात बताइए कि पहले जब आप लेबर का काम करते थे फिर अभी ये करते हैं जी, तो कितना पहले कितना कमाते थे आप? पहले वो 200-250 रुपये रोजी में काम करते थे, अब आप डबल तिबल इसमें काम कर ले रहे हैं जी। कितने घंटे आप काम करते हो इसमें? यहाँ 7 बजे से लेकर 2-2.5 बजे तक रहते हैं। और तैयारी करने में कितना टाइम लगता है? तैयारी करने में शाम 4 बजे उठते हैं भोर में। सुबह 4 बजे उठते हैं? 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक रेडी कर देते हैं 2 घंटे। अच्छा, अप्रॉक्स 12 घंटे ये दिन भर में काम करते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत है दोस्तों। प्रकाश जी को आप देख सकते हैं, पहले लेबर का काम कर रहे थे फिर ये काम कर रहे हैं। आपको शर्म टाइप का फील होता है क्या कभी जब आप यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम लेबर काम कर रहे थे तो शर्म नहीं लगा, तो फिर अपने खुद का धंधा कर रहे हैं तो काहे सर। अभी आप खुश हैं अपने काम में? ठीक है सर, बहुत खुश हैं। और ऊपर वाला क्या, आगे और खुशी रहेंगे। हाँ, सो दोस्तों देख सकते हैं प्रकाश जी, इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। आप ये सोचिए कि पहले लेबर का काम करते थे फिर इन्होंने इनको इनके ससुर ने आइडिया दिया फिर ये काम किए। अपन ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम चालू नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने आइडिया लगाया कि हम रेंट में भी ले सकते हैं अपना ठेला को और वहाँ से चालू कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा बिजनेस करना है तो प्रकाश जी आप हेल्प करेंगे? अगर कोई बाहर से अगर देख रहा है किसी को करना हो तो आप इस बिल्कुल है ना, उसको आइडिया देंगे कैसा करना है, क्या करना है, उसको हम आइडिया बताएंगे। हाँ, इनको एक सैल्यूट देता हूँ मैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत का काम कर रहे हैं, ईमानदारी का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा बिजनेस करना है तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। और आप दोस्तों ऐसे ही मेरा वीडियो डेली देखा कीजिए, मैं डेली वीडियो डालता हूँ बिजनेस से रिलेटेड। बहुत कम पूंजी में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम बहाना नहीं बना सकते, हमको बहाना नहीं बनाना है, हमको करना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया।